हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसका जो ये लेक्चर नंबर 3 है, तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिस्कवरी हेनरी बैक्वेरल नाम के साइंटिस्ट ने किया था और 1896 में इन्होंने डिस्कवर किया था। इनके द्वारा यूरेनियम के सल्फेट सॉल्ट्स पे स्टडी कर रहे थे। ये किस पे स्टडी कर रहे थे? यूरेनियम के साल्ट्स पे स्टडी कर रहे थे, यूरेनियम साल्ट पे ये स्टडी कर रहे थे। लेकिन ये जो डिस्कवरी थी वो सडन हो गई थी। सडन होने का मतलब कि इन्होंने क्या किया था, कुछ यूरेनियम के साल्ट्स को ब्लैक पेपर में, किसमें, ब्लैक पेपर में रैप करके अपने अलमीरा में रखा था, और अलमीरा में कहीं पे इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट्स रखी थी। क्या रखी थी? फोटोग्राफिक प्लेट्स। तो इन्होंने कुछ दिन के बाद देखा कि हमारी जो फोटोग्राफिक प्लेट है, वो अफेक्टेड हो गई है। तो इनका दिमाग जो था वो अचानक किक किया और इन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये जो साल्ट्स है इसमें से कोई इमिशंस निकला हो और यही इमिशन इस फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर दिया हो, अफेक्ट कर दिया हो, जिससे कि ये फोटोग्राफिक प्लेट हमारा अफेक्टेड हो गया है। और इसके अफेक्टेड होने के बाद इन्होंने अपनी एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, एक लेड का ब्लॉक लिया और लेड के ब्लॉक में इन्होंने एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड रखा, रेडियो एक्टिव कंपाउंड जब इन्होंने रखा तो यहां पे एक स्लिट लगाया। स्लिट इसमें एक पतला होल्स होता है जो रेज को एक फॉर्म में भेजती है, और एक फॉर्म में भेजने के वजह से यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स लगा दी थी, और इन्होंने स्टडी किया कि कुछ रेज जो थी वो निगेटिव के तरफ मूव कर रही थी, और इन्होंने जो निगेटिव प्लेट्स के तरफ मूव कर रही थी उसका नाम दिया अल्फा, और जो पॉजिटिव प्लेट के तरफ मूव कर रही थी उसका नाम दिया बीटा, और जो डायरेक्ट सीधे फोटोग्राफिक प्लेट पे जा रही थी उसका इन्होंने नाम दिया गामा, गामा रेज, अल्फा रेज। और इसी सेम टाइम में एक रोनटेंजन नाम का साइंटिस्ट था, उसने भी स्टडी किया था, और उसी टाइम सेम अगर एनसीईआरटी की बुक अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि रोनटेंजन का एक्सपेरिमेंट दिया था, और रोनटेंजन ने किसका डिस्कवरी किया था, एक्स रेज की डिस्कवरी की थी, जो एक्स रेज आज मेडिकल साइंस में यूज होता है हमारे हाथों के एक्सरे करने के लिए, और भी बहुत सारे एक्सरे के मेडिकल साइंस में यूजेज हैं। तो इन्होंने देखा कि अल्फा रेज निकल रही थी, बीटा रेज निकल रही थी और गामा रेज निकल रही थी, तो क्या इनका नेचर था। तो फाइनली इन्होंने बताया कि जो अल्फा रेज होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, अल्फा रेज जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, और ये हीलियम के अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या होता है, हीलियम 2+ के न्यूक्लियस के पार्ट होता है, और इसका जो हम चार्ज की बात करें तो इस पे चार्ज होता है 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये इसका नेचर था। उसके बाद अगर हम बीटा की बात करें, बीटा रेज की, तो ये बीटा रेज निगेटिव के तरफ बिहेव करता था, निगेटिव चार्ज के तरफ बिहेव करता था। और गामा की बात करें, गामा रेज की, तो ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल। लेकिन अगर इसके पेंट्रेशन पावर, सबसे अगर एनसीईआरटी में एक ग्रीन कलर का पैराग्राफ दिया होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक स्टडी किया जाए तो अल्फा रेज
बीटा रेज और गामा रेज, गामा रेज तो अल्फा से 100 times, अल्फा से 100 times पावरफुल होता है पेंट्रेशन। अल्फा का जो पेंट्रेशन होता है, उससे 100 times पावरफुल होता है पेंट्रेशन बीटा का। और अल्फा से 1000 times पेंट्रेशन पावरफुल होता है गामा रेज। तो गामा रेज मेटैलिक प्लेट्स को भी पास कर सकती है, मेटैलिक प्लेट्स को भी पास आउट कर सकती है। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। और यहाँ पे फाइनली ये अफेक्ट्स के वजह से पता लगाया गया। और ये जो रेज थी, इन्होंने मैसिव रोल प्ले किया EMR में। जब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल डिस्कस करेंगे कि किसकी कितनी फ्रिक्वेंसी होती है और इसका कितना वेवलेंथ होता है। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन प्रेस कर दे, जहाँ से आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।